निकाय चुनावों में मचा एक ही घर में चुनावी संग्राम। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव धीरे धीरे रोमांचक दौर में पहुंच रहा है। इसी चुनाव में जहां एक ओर राजनीतिक पार्टियां चुनाव में अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुके हैं, वहीं दमदार निर्दलीय प्रत्याशियों की आमद से दलगत प्रत्याशियों के हाथ पैर फूले नजर आ रहे हैं। बात अगर की जाए उन्नाव जनपद के पुरवा और मोरावा में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने नगर अध्यक्ष से लेकर सभासदों तक के टिकट दे दिए हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है दलगत प्रत्याशी चुनावी समर में जीत हासिल कर पाते हैं या फिर निर्दलीय प्रत्याशियों के हाथों पार्टियों की दुर्दशा करवाते हैं। यही हाल मोरावा नगर पंचायत का है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो सन 1978 से लेकर अब तक नगर पंचायत अध्यक्ष एक ही परिवार का सदस्य होता आया है। इसे समाज सेवा कहें या फिर बाहुबल, जिसके भय से मतदाताओं को कोई अन्य प्रत्याशी दिखाई नहीं पड़ता। अगर पिछले 5 वर्ष से चेयरमैन नवनीत शुक्ला की बात की जाए तो उनकी छवि एक समाज सेवी और कर्तव्यनिष्ठ के रूप में उभर कर आई है, जो उनके परिवार के द्वारा कराए गए नीति अनिति कार्यों पर भारी दिखाई दे रहे हैं। समाज के सामने एक बार पुनः नवनीत शुक्ला जोश खरोश के साथ अपनी मां का प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नवनीत शुक्ला के ही परिवार के राजीव शुक्ला की मां चंद्रकली शुक्ला को नवनीत शुक्ला की चाची है इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रही है। जहाँ एक ही परिवार में देवरानी और जेठानी में नजदीकी संग्राम देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी ओर अपना भाग्य आजमा रहे चुनाव में उमेश सिंह भी किसी से कम नहीं दिख रहे। जनता से अपील कर रहे 25 से 30 वर्षों तक एक ही परिवार में नगर पंचायत की सीट रही, विकास के नाम पर लूट और खसोट का काम किया गया। अगर मौका मतदाताओं ने दिया तो जितने भी काम कराए गए हैं सभी कामों की जांच होगी। जो भी अधिकारी कर्मचारी कोटेदार ठेकेदार दोषी होगा उस पर विभागीय कार्रवाई कराई जाएगी तथा मतदाताओं से अपील की है बगैर भय और डर के मतदान करें। जब टीवी 100 की टीम ने मोरावा नगर पंचायत के उन्नाव खेराबाड की जमीनी पड़ताल करने पहुंची तो वहां बहुत सारी खामियां दिखाई पड़ी। लोगों ने साक्षात्कार में बताया कि या हम लोग आज भी आदिवासियों जैसा जीवन यापन कर रहे हैं, फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है, घरों को नगर पंचायत में दर्ज नहीं किया गया, राशन कार्ड किसी के बने नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया गया। इन तमाम समस्याओं को लेकर जब मौजूदा चेयरमैन नवनीत शुक्ला से पूछा गया तो उन्होंने टीवी 100 के पत्रकार को बताया कि 5 साल में पिछली पानी इंटरलॉकिंग सड़कों की व्यवस्था समुचित कराई गई और निरंतर उनका प्रयास जारी रहेगा। तमाम मुद्दों के साथ उतरे प्रत्याशियों ने आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला जारी कर दिया। देखने वाली बात यह है कि पौराणिक नगरी मोरावा, जो कि मोरध्वज की नगरी कही जाती है, मोरध्वज की नगरी का सिंहासन किसके भाग्य में लिखा, यह तो भविष्य में ही तय होगा। क्या नाम है आपका? बिसंदे। आपको क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत हमका न रह का है, न खाए का है, न गांठिन तो चले पाई है को कहू। राशन कार्ड बना है? राशन कार्ड बना रहा तो कट पीट के ही हम 10 किलो मिल रहा है, 1 लीटर तेल। तेल कै रुपया लीटर मिलत है? 25 में दे, 1 लीटर 25 रुपया लीटर। लीटर कोटेदार कौन है? कोटेदार हम नातिन का पठाई तो चले तो पाई तो नहीं, नहीं। तो वही लड़का लावत ही कॉलोनी मिले आपका भैया? ना कॉलोनी, ना पिंसी, ना साल, ना दुसाल, जैसे काट रहे वैसे काट रहे। पानी पिए के लिए का व्यवस्था है? व्यवस्था का काढ़ी मांग के वो देखो पाइप बनवाओ तो धकर पकर कहूँ टूट रहा तो कहूँ बिगड़ रहा। सप्लाई का पानी आता है? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, 1 पैसा 5 पैसा का काम नहीं। 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं। अच्छा, क्या दिक्कतें हैं आपके गांव में? शौचालय, लेटरिन, पानी की व्यवस्था? कुछ नहीं, ना पानी की व्यवस्था है, ना लेटरिन की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है। क्या कभी चेयरमैन नगर पंचायत के अधिकारियों ने जो है इस पर प्रयास नहीं किया?
वो करते तो हैं कभी कभी, लेकिन ऊपर से आदेश नहीं आता तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ अभी कुछ आया ही नहीं। प्रधानमंत्री ने तो जो है सब जगह झाड़ू लगवाया, प्रधानमंत्री ने तो सब जगह जो है शौचालय अलाटमेंट कराया है, तो ऊपर से तो आ रहा है, नीचे से नहीं आ रहा है। इसके लिए यहाँ नहीं मिल रहा कुछ सप्लाई का पानी, वो भी नहीं। पूरे गाँव में कितने इंडिया मार्का हैंडपम्प होंगे? पूरे गाँव में होंगे पाँच छः होंगे। इस बार भी तमाम सारे प्रत्याशी आपके बीच में होंगे, तो आपका क्या कर्तव्य होगा, किसको आप प्रमोट करेंगे, किसको लाइक करेंगे, कि कौन व्यक्ति जो है काम करने वाला है जिसको आप आगे लाएंगे कि आपकी ये समस्याएं खत्म हो जाएं? अब ये तो जो पब्लिक हमारे गांव चाहेगी वो भी हम भी कर लेंगे, हम अकेले थोड़ी इधर उधर हो जाएंगे। नहीं नहीं, हमारा मतलब ये है कि आपकी मर्जी तो यही होगी कि जो काम करेगा उसी को जो है उसी को दिया जाएगा। दादी क्या नाम है? फूला। पेंशन मिलती है? नहीं भाई। लैट्रिन बनी है? ना। घर में बिजली है? बत्ती हाँ आई है। अच्छा, वही सिखाई नीचे करने भी है। बच्चे आपको खाने पीने के लिए देते हैं? अरे बच्चे को कैसा देते हैं? तो पेंशन उन्सन के लिए फार्म वार्म नहीं डाला? तमाम भरे के भैया। कोटा में राशन मिलत है? हाँ राशन मिलत, लड़के लड़का पावत झूठा भाई महा, एक लड़का पावत तो एक पहुंचो, एक नहीं पावत एक कोशिश की तब जा पावे लाग, ओके पांच तीन ठे बिटिया है लड़का खावे तमाम, तब जा कोशिश की तब पावे लाग। अच्छा अच्छा झूठ का बोली हम। चलो ठीक। हमने यहाँ की मूलभूत समझाओं में जैसे बिजली की समस्या एक है, इस समस्या के लिए हमने यहाँ पे बिजली पहुँचाई है गांव में, लोगों को यहाँ लाइटें जलना जल रही हैं। यहाँ पे 11,000 जो लाइन निकली हुई है इसके लिए हमने कई बार अधिकारियों को लिख के भेजा है। अब इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कितनी जल्दी से जल्दी ये 11,000 की लाइन घरों से हट जाए, इसके लिए जनता ही बताएगी। अच्छा, इसे फ्लोराइड पानी नलों में निकल रहा है और इस पूरे गाँव में जो है लोग काला पानी पीने के लिए मजबूर हैं, ऐसे में इनके पेयजल की क्या व्यवस्था आपके द्वारा कराई गई है? इस गांव में हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में लमसम 4-5 हैंडपैप लगवाए हैं। फ्लोराइड पानी की समस्या पूरे नगर पंचायत में लमसम है, जिसके लिए हमने जल निगम द्वारा टंकियां कई बनवाई हैं, पाइपलाइन बिछा के उनको उस पानी की व्यवस्था कराने की तैयारी चल रही है। या उन्नत खेड़ा गाँव तक भी अगले वर्ष अगर मौका इन लोगों ने हमको दिया तो पानी यहाँ तक पहुँचेगा। अच्छा, तमाम सारी यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं हैं जिन्होंने कहा कि मुझे वृद्धावस्था पेंशन और राशन कार्ड नहीं है, और जो कुछ महिलाओं ने कहा है कि हाँ 25-25 रुपए लीटर तेल मिलता है, इस पर आपका क्या कहना, कोटेदारों पर आपका अंकुश कहाँ तक है? कोटेदारों की जहाँ तक बात है तो निरंतर हम उनका विरोध करते आते हैं, यहाँ भी कोई गलत काम करते हैं तो हम जनता जानती है कि हम उनका विरोध करते हैं अगर गलत काम करते हैं। 25 रुपए के जहाँ सवाल है तो ऐसी सूचना आज तक हमारे पास नहीं आई है, और जिन लोगों के पास राशन कार्ड अभी नहीं है उन लोगों के लमसम ऑनलाइन करा दिए गए हैं और महीने डेढ़ महीने के अंदर सबके कार्ड आ जाएंगे। अगर दोबारा जीत करके आते हैं तो आपका क्या कार्य होगा? प्रथम प्राथमिकता हमारी यही होगी कि कोशिश में कोई भी स्वच्छ शौचालय की प्रथम है हमारी, सबके घर में शौचालय हो यहाँ पे, और जो जिस पात्र का है, पात्र गृहस्थी का होगा तो उसको पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड बने, और जो पात्र बीपीएल के लायक होगा उसको बीपीएल का बने कार्ड। क्या नाम है आपका? उमेश सिंह। उमेश जी जी, चुनावी बिगुल बज चुका है, ऐसे में 5 सालों के विकास का खाका तैयार किया गया है जी। अभी हमारी टीम उन्नत खेड़ा एक वार्ड है वहाँ गई तो वहाँ की स्थिति बिल्कुल जर्जर पाई गई, ऐसे में आप भी प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कुछ बताना चाहें बताएं। हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ की जो गरीब जनता है वो परेशान है, ना तो उनको आज तक राशन कार्ड मिला, ना तो उनके लिए कॉलोनियाँ मिली, ना तो उनको पेंशन मिली, और वहाँ एक 11,000 लाइन गई वो भी आज तक नहीं वहाँ से हटाई गई, जो मौत बांटने के लिए काम कर रही है। कभी भी तार टूट सकता है, लोगों के घर जल सकते हैं, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है वहाँ पे। कई वादे किए गए उन वादों पे लोग खड़े नहीं उतरे। 25 साल से यहाँ चेयरमैन है, एक ही परिवार में ना तो कोई काम करते हैं,
ना तो किसी की सुनते हैं। यहाँ पर डामर रोड खुदवाकर और इंटरलॉकिंग कराई गई, सिर्फ यही काम हुआ है। खाली मानक की धज्जियाँ उड़ाई गई और बस यही कहना है हमारा। और पिछली बार चुनाव में आपने भी वादा किया था, मौजूदा चेयरमैन ने भी वादा किया था 11,000 लाइन हटेगी जी, उस पर क्या कहना है? वो तो सब वादे पे वादे करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, खाली वादा लेते हैं, चेयरमैन बन गए सारी जनता को भूल जाते हैं। अगर अब की बार हमको जनता जिताए और हमको विजयी करके बनाए तो हम जनता के लिए काम करेंगे, सबसे अच्छा विकास करेंगे, हर गरीब आदमी की सुनेंगे, गुणवत्ता मानक का ध्यान रखेंगे। यही हमारी विनती है पब्लिक से, आम जनता से, कि हमको भारी मतों से जिताए।